हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है, वीडियो है, वो आपको तुरंत मिलता रहे और आप उससे जो है वो बेनिफिट उठा सकें। आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली वो स्टैंडर्ड 8th के लिए हमारा जीके का सेशन होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो आज हम बात करेंगे वो स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे। और स्टैटिक जीके में हम जिस स्टेट को लेकर के आए हैं वो स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बारे में बहुत सारे हम स्टैटिक पॉइंट को जानेंगे, साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड 8 का जीके का सिलेबस है उसके चैप्टर 1 में कुछ वर्ल्ड वर्ड्स के बारे में जो है पॉइंट्स रह गए थे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव होने वाला है। सो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बोलें कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो सब्सक्राइब कर पाए। चलिए तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो है मैप दिखाई दे पा रहा होगा जो कि इंडिया का मैप है, और ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ पर आपको स्टेट दिख रहा होगा। कौन सा स्टेट? तो उत्तर प्रदेश। देखिए बेटा, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्टेट है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट बना उसको स्टेट का दर्जा कब मिला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ से यही बनता है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ, दैट्स मीन स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया के मैप पर कब आया। तो इसका आंसर बेटा ये होगा, क्या होगा, 24th of January 1950। तो 24th of January 1950 वो एक दिन था जहाँ पर जिस डेट को जो है उत्तर प्रदेश इंडियन मैप पर अपना स्थान पा सका। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने देश और कितने राज्यों से घिरा है। तो आप इस मैप को देख करके आसानी से बता सकते हैं कि ये कितने राज्य से घिरा है और कितने देश से घिरा है। तो यहाँ पर बेटा देखिए, पहला तो ये नेपाल है जो कि एक कंट्री है, और उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ का पार्ट है, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ का जो पार्ट है वो पहला बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। जस्ट उसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये भी बाउंड्री शेयर करता है, बट ये स्टेट कौन सा है, देहरादून। तो दूसरा जो बाउंड्री शेयर करता है वो किस स्टेट से करता है, तो वो उत्तराखंड से करता है, ठीक है। तीसरा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश जो है ये दिल्ली के बाउंड्री को भी शेयर कर रहा है। थर्ड नंबर कि ये दिल्ली के बाउंड्री को शेयर कर रहा है। फोर्थ नंबर, यहां पर ये हरियाणा के बाउंड्री को भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा नेपाल, इसके अलावा उत्तराखंड। अगर मैं साउथ ईस्ट की बात कर लूँ जिसे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं, यहाँ पर जो ये बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका किससे कर रहा है, तो बिहार से कर रहा है, क्लियर है। बिहार के अलावा कुछ पार्ट, देखिए यहाँ का कुछ पार्ट झारखंड से भी शेयर हो रहा है, तो झारखंड से। और फिर इसके अलावा ये जो पार्ट है, कुछ पार्ट जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला एरिया, ये हमारा किसे, तो ये हमारा आपका शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से भी ये अपने बाउंड्री को शेयर करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के कितने बाउंड्री को शेयर करता है, मतलब उत्तर प्रदेश कितने स्टेट्स के बाउंड्री को शेयर करता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं जिसके साथ ये बाउंड्री को शेयर करता है वो कितना है बेटा, 7 है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कितने कंट्री के बाउंड्री को शेयर करता है। तो कंट्री जो है वो आपका नॉर्थ में कौन से कंट्री को, तो नेपाल को। तो कंट्री हमारा कितना होगा, तो स्टेट जो है वो 6 होगा और कंट्री होगा हमारा 1। मतलब टोटल अगर स्टेट और कंट्री की बात कर ली जाए तो ये टोटल नंबर में 7 कंट्री जो स्टेट के बाउंड्री को शेयर करता है। अब इससे अलग थोड़ा सा अगर पूछा जाए कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें ये कौन कौन से कंट्री और कौन से स्टेट के बाउंड्री को शेयर करता है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। क्या दिया है, उत्तर प्रदेश इज
बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड एंड द कंट्री ऑफ नेपाल टू द नॉर्थ. नॉर्थ में ये दो दो एक कंट्री और एक स्टेट के बाउंड्री को शेयर करता है. वो कौन कौन सा है? तो कंट्री जो है वो हमारा नेपाल है और जो स्टेट है स्टेट हमारा कौन सा है? उत्तराखंड है. तो ये बात आपको याद रखनी है. अब हम आ जाते हैं कहां, तो नॉर्थ की बात हो गई, अब साउथ में आते हैं. तो साउथ में देखिए, साउथ में ये कितने कंट्री को सॉरी कितने स्टेट को के बाउंड्री को शेयर कर रहा है? तो साउथ में ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाउंड्री को शेयर कर रहा है. जबकि झारखंड की अगर बात की जाए तो ये एक्चुअली ये इसके साउथ ईस्ट का पार्ट है. बट अगर आपसे साउथ की बात करी जाए तो साउथ में कौन कौन सा है? तो साउथ में देखिए, साउथ में एक आपका मध्य प्रदेश भी है. यस, मैं यहाँ पर देखना भूल गया. देखिए एक और यहाँ पर स्टेट है, एक और यहाँ पर स्टेट है, और ये स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है. तो साउथ में उत्तर प्रदेश के कौन सा है? मध्य प्रदेश है. ये ध्यान रखिएगा, मतलब टोटल स्टेट जो यहां पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल स्टेट हो जाएगा 7, और स्टेट और कंट्री दोनों को अगर मिला जाए तो 8. ठीक है, अब साउथ की बात की जाए तो साउथ में जो ये बाउंड्री शेयर करता है वो किससे शेयर करता है? एमपी से. अब ईस्ट की बात की जाए पूरब में, पूरब में इसके कौन से कौन सा स्टेट है? तो उत्तर प्रदेश के पूरब में देखिए यहां पर आपको पांचवा स्टेट दिख रहा है. इसके पूर्व में जो है वो क्या है? बिहार है. अब एक दिशा और रह जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. वेस्ट की अगर बात कर ली जाए, वेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो वेस्ट में इसके दो तीन स्टेट्स हैं जो कि कौन कौन सा है. देखिए यहाँ पर एक तो हरियाणा है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा राजस्थान है. अब देखिए एक स्टेट और ये बढ़ गया. मैप में देखने से ये पता लग रहा है, अभी मैंने आपको नहीं बताया बट यहाँ पर देखने से ये पता लग रहा है कि देखिए ये बाउंड्री जो है वो राजस्थान के साथ भी शेयर हो रहा है. मतलब ये हमारा कौन सा हो गया? 9th नंबर का हो गया. मतलब यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया? 7, 8, 9. मतलब 8 state 1 country, टोटल कितना हो गया? 9. तो वेस्ट में जो हमारा स्टेट आता है और यूनियन टेरिटरी आता है वो कौन कौन सा है? राजस्थान. इसके अलावा क्या आता है? हरियाणा. इसके अलावा क्या आता है? एनसीआर मतलब दिल्ली वाला रीजन. दिल्ली का रीजन जो है इसके वेस्ट में आता है. अब नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट का जो पार्ट है वहां पे एक स्टेट आता है और वो स्टेट हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़. तो साउथ ईस्ट की अगर बात कर ली जाए, साउथ ईस्ट की, तो यूपी के साउथ ईस्ट में एक स्टेट है जो कि कौन सा है? झारखंड, जिसके साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है. तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है. आपको मैप को जो है अपने माइंड में इस तरीके से याद रखना है कि आपको उत्तर प्रदेश के कौन से दिशा में कौन सी कंट्री है और कौन सा स्टेट है, ये आपको याद होना चाहिए. इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है क्या, कि उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड द कंट्री ऑफ नेपाल टू द नॉर्थ. उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में उत्तराखंड और जो कंट्री नेपाल है उसका बॉर्डर शेयर होता है. द स्टेट ऑफ बिहार टू द ईस्ट, इसके पूर्व में कौन सा स्टेट है? बिहार. द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ है, वो इसके किसमें किस पार्ट में है? तो साउथ ईस्ट के पार्ट में है. दक्षिण पूर्व का जो पार्ट है वो वाला पार्ट हमारा जो है यूपी का बाउंड्री शेयर करता है. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू द साउथ, साउथ में जो है वो मध्य प्रदेश है. एंड द स्टेट ऑफ राजस्थान हरियाणा एंड एनसीआर, वो इसके पश्चिम दिशा की तरफ है. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. अच्छा एक चीज और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, वो ये कि एक स्टेट है उत्तराखंड जो कि आपके यूपी से ही अलग हुआ है. यूपी के से अलग होने का मतलब इस स्टेट का फॉर्मेशन जो है यूपी से हुआ है, वो कब हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, 9th of November 2000 को यूपी से एक अलग राज्य का दर्जा मिला और उस राज्य का नाम क्या हुआ? उत्तराखंड. तो आई होप कि ये पॉइंट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. अब हम इसके अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर लें तो CM आपको पता है यहाँ के करेंट CM अभी कौन है? तो योगी आदित्यनाथ. योगी
योगी आदित्यनाथ। और बात कर ली जाए अगर गवर्नर की, तो यहाँ के जो करेंट गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो अभी करंट में है और जो इसका बाउंड्री है। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट की तरफ। स्टैटिक पॉइंट में सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिटी है जो कि फेमस है और किस चीज के लिए फेमस है उसको थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला जो सिटी है यूपी का वो आगरा है। आगरा और ये किस लिए फेमस है, तो पहली चीज कि ये ताजमहल के लिए फेमस है, ताजमहल के लिए फेमस है सबसे पहली चीज। और इस सिटी को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ ताज, और पेठा नगरी भी बोला जाता है। पेठा एक तरह का क्या है, स्वीट है, मिठाई है, जिसके लिए आगरा हमारा फेमस है। तो आगरा सिटी आपसे पूछा जाए किस चीज के लिए फेमस है, तो पहला ताजमहल, दूसरा इसको पेठा नगरी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो ये मिठाई है जिसका नाम पेठा है वो वर्ल्ड फेम क्या है, स्वीट्स के तौर पर जाना जाता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इलाहाबाद और प्रयागराज। इलाहाबाद ये पुराना नाम है बट अभी इसका नया नाम चेंज हो गया है, इसका नया नाम जो है वो निकल के आया है क्या, प्रयागराज। Abode of God City of Prime Minister Sangam City, ठीक है, इसका जो नाम है हमारे Prime Minister ने वो एक संगम सिटी के नाम पर दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का क्या है, मिलन है, इसलिए इलाहाबाद को संगम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कानपुर, कानपुर की बात कर लेते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश का एक फेमस सिटी है और ये इसको हम जानते हैं लेदर सिटी के नाम से, बिकॉज कि वर्ल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेदर का जो प्रोडक्शन है, लेदर से बनाई जाने वाली चीजें जो हैं वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यहीं पर बनाई जाती हैं, इसलिए इसको लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं और वर्ल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब नवाबों का शहर आपको पता होगा, लखनऊ को मानते हैं या जानते हैं, तो नवाबों का शहर आपसे अगर पूछा जाएगा तो फेमस सिटी लखनऊ, लखनऊ को हम लोग सिटी ऑफ नवाब्स बोला जाता है, ठीक है, या द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, स्वर्ण का शहर जो है उसको भी हम बोलते हैं किसको, तो लखनऊ जो कि यूपी का एक स्टेट है। प्रयागराज के बारे में मैंने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं वाराणसी के बारे में। सिटी ऑफ लाइट्स इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है रोशनियों का शहर, टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल्स, लर्निंग होली सिटी, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन द अर्थ, सबसे पुराना जो होली सिटी है, जो धार्मिक शहर है, उसके तौर पर भी हम वाराणसी को जानते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है मंदिरों का शहर किसको बोला जाता है, तो भी हमारा क्या है, वाराणसी ही है। और आपसे बता दें कि रिलीजियस कैपिटल के तौर पर भी हम वाराणसी को जानते हैं। रिलीजियस कैपिटल मतलब धर्म का जो कैपिटल है, धर्म की जो राजधानी है इंडिया की, वो भी वाराणसी के तौर पर जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सातवां पॉइंट, मेरठ। मेरठ जो है वो स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, और स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब खेल की राजधानी इंडिया की, उसके तौर पर अगर किसी सिटी को जाना जाता है तो यूपी का कौन सा सिटी है, तो मेरठ है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सा सिटी किसके लिए फेमस है और उस फेमस सिटी को कैसा नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मतलब राज्य को जो ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। और यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कहां है, गाजियाबाद। चीफ मिनिस्टर के बारे में मैंने बता दिया, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है के वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब ब्रांड एंबेसडर की बात की जाती है। ब्रांड एंबेसडर वो होता है जो किसी स्टेट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि उस स्टेट को, उस प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है
जैसे किसी भी कंपनी का अगर कोई शॉप है तो उसका प्रमोशन होता है, प्रचार होता है, उसी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। और अभी जो करेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, वो कौन है, अक्षय कुमार हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल जो है वो स्वैम डियर है, स्टेट बर्ड सारस क्रेन है, स्टेट फ्लावर जो है पलास है, और स्टेट ट्री अशोका ट्री है। तो यूपी के अगर स्टेट ट्री की बात की जाए तो अशोक का पेड़ है, स्टेट फ्लावर की अगर बात की जाए तो पलास का जो फूल है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है, स्टेट बर्ड जो है सारस क्रेन है, और स्टेट एनिमल स्वैम डियर है। तो आई थिंक ये जो स्टैटिक पॉइंट है ये आपको याद हो गया होगा और अभी याद हो गया होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट का। जो हमारे यूपी स्टेट में जो एयरपोर्ट है वो केवल 5 है। आगरा एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर होगा, आगरा में होगा। देहरादून एयरपोर्ट ये आपको याद नहीं करना है, ये पहले का दिया हुआ है, बिकॉज ये देहरादून एयरपोर्ट जो है अभी उत्तराखंड का पार्ट हो गया है। किसका पार्ट हो गया है, उत्तराखंड का पार्ट हो गया, ये उत्तराखंड में है। इलाहाबाद एयरपोर्ट इलाहाबाद में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, एंड लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। तो एयरपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो एयरपोर्ट के टर्म में यहाँ पर जो टोटल एयरपोर्ट्स हैं वो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 4 हैं। पहला लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ है, लखनऊ में। इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आपको ये बताना है कि पटना जो बिहार की राजधानी है और यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे आते हैं, थर्मल पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको 2-3 थर्मल पावर प्लांट याद रखना है वो कौन सा रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे देखिए, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्रा नदी के किनारे है, सोनभद्रा नदी के किनारे है, इसलिए इसका जो लोकेशन है वो क्या लिखा गया है, सोनभद्र। अन्नपारा थर्मल पावर स्टेशन ये भी यहीं पर है। पनकी थर्मल पावर स्टेशन कानपुर में है। पारिचा थर्मल पावर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करिए, एक पनकी, एक ओबरा और एक अंकापारा जो है वो आप याद कर लें। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन ये कहाँ है, दादरी कहाँ है, गाजियाबाद के बगल में, इन मतलब बिहाइंड गाजियाबाद कह लें, या गाजियाबाद का जो बगल का लोकेशन है दैट इज दादरी। और दादरी में जो है यूपी का फेमस एक थर्मल पावर स्टेशन है, और उस थर्मल पावर स्टेशन का नाम क्या है, नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन। इसके अलावा रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ये कहां पर है, सोनभद्रा पे है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, सारा का सारा पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव और अपने जीके के बुक के ऊपर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ वर्ल्ड फेमस बर्ड्स के बारे में। जैसे जो आपके फर्स्ट पेज पर दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ 15 बर्ड्स है, ऑलरेडी हम 5 के बारे में बात कर चुके हैं, आज जो है हम 5 के बाद जो है उस पर बात करने वाले हैं। तो छठा जो आपका बर्ड है छठे नंबर पर, उसका नाम क्या है, पैरोट। ये नाम काफ़ी फेमस है और आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे, इसके साथ खेल चुके भी होंगे। तो पैरोट जो है वो एक फेमस बर्ड है, जो वर्ल्ड फेमस बर्ड है। इसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं उसको जरा देखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तो पैरोट्स आर ऑल्सो नोन एज पैसिटिकाइंस, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है तो जरा लिख देते हैं, पैरोट्स आर ऑल्सो नोन एज PSIWTACINES, साइटेसाइंस, ठीक है। यहाँ पर पी साइलेंस है, इसलिए ये इसका अनदर नेम है। तो आपको अनदर नेम भी याद करके रखना है, वो क्या है, ये साइंटिफिक नेम भी आप बोल सकते हैं, ये पैरट का अनदर नेम है क्या, साइटेसाइंस इसका जो है, साइटेसाइंस इसका अनदर नेम है। दूसरा, पैरोट्स आर ओमनीवोरस, ये कैसा है, ओमनीवोरस, ये क्या है, ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, तीन चीजें होती है, एक होता है हमारा ओमनीवोरस, दूसरा जो होता है वो क्या होता है,
दूसरा जो होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है हार्बीवोरस। क्या क्या होता है देख लीजिए यहां पर, एक होता है ओमनीवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है क्या, तो तीसरा जो होता है वो हमारा होता है हार्बीवोरस। क्या होता है हार्बीवोरस। ओमनीवोरस किसको बोला जाता है, ओमनीवोरस किसको बोला जाता है जरा बताइएगा, ओमनीवोरस किसको बोला जाता है, पता है ओमनीवोरस। यस, अब देखिए जो मीट के साथ वेजिटेरियन होता है, वेजिटेरियन होता है उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस केवल केवल क्या होता है मीट के लिए होता है, या इंसेक्ट्स को जो फीड के तौर पे लेता है वो कार्निवोरस। और हर्बीवोरस जो है कंप्लीट वेजिटेरियन होता है, कंप्लीट वेजिटेरियन। तो पैरट्स की अगर बात की जाए तो ये किस में आता है, ओमनीवोरस में आता है, बिकॉज ये इंसेक्ट्स को भी एज ए फीड, एज ए फूड क्या करता है, इंटेक करता है, साथ ही साथ वेजिटेबल को भी ये खाता है, इसलिए इसका जो कैटेगरी होता है वो क्या होता है ओमनीवोरस में होता है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट जो सी नंबर पॉइंट है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ पैरोट इज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो लार्ज अमाउंट में, या कह लें कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो किस एरिया में पाया जाता है, तो ये ज्यादा फाउंडिंग जो इसकी होती है वो होती है हमारी किधर, तो साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ये यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो बिल होता है ये फेमस किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो बिल होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है और थोड़ा कर्ड होता है, इसलिए ये क्या है, इससे ये पहचान में भी आसानी से आ जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट बात कि अभी तक आपने जो बर्ड देखा होगा पैरट, वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, बट ग्रीन के अलावा भी ये वेरियस कलर्स में पाया जाता है, बट हमारे इंडिया में नहीं, वो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, इसलिए ये जो फाउंड होता है, ये जो पाया जाता है, इसकी जो स्पेसीज मिलती हैं वो किस में मिलती हैं, मल्टी कलर में मिलती हैं। ठीक है, तो ये मल्टी कलर में भी अवेलेबल है। अगले पॉइंट पर आते हैं, दूसरा जो हमारा बर्ड है वो कौन सा है, तो आउल, OWL। ठीक है, ये आपको पता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ आउल बर्ड्स, ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और इस स्पेशल नाम को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। मतलब ये हमारे गवर्नमेंट का जो संसद है ये उसकी बात नहीं करता, इसका जो एक ग्रुप है, इसके ग्रुप का ही नाम क्या है, तो इसके ग्रुप का ही नाम है पार्लियामेंट। मतलब ग्रुप ऑफ ऑल बर्ड्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, पार्लियामेंट का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि ये क्या है, कार्निवोरस के कैटेगरी में आता है। ये कौन से कैटेगरी में आता है, कार्निवोरस के कैटेगरी में आता है, दैट्स मीन ये केवल इंसेक्ट्स को क्या करता है, एज ए फूड इंटेक करता है। तीसरी कॉमन चीज क्या, कि ये फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन, ये फॉरेस्ट के रीजन में पाया जाता है। चौथी चीज क्या, और भी कोई स्टेटिक पॉइंट, यस, इसका जो हेड है मतलब इसका जो सिर है, ये 270 डिग्री पर घूमता है। ये क्या करता है, 270 डिग्री पर घूमता है, मींस आउल जो है, आउल्स कैन टर्न हेड टर्न दियर हेड्स सॉरी टर्न दियर हेड एज 270 एज मच एज 270 डिग्री, ऐसे लिखिए, एज मच एज 270 डिग्री। ठीक है, और इसका जरा आप सर को देखिएगा तो इसका फेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती है। सो इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, इट हैज फ्लैट फेस एंड बिग, और बिग नहीं लिखे, लार्ज लार्ज या बिग भी लिख सकते हैं,
बिग आईज, इसकी जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये सातवां पॉइंट था। आठवें बर्ड की बात कर लेते हैं, आठवां बर्ड कौन सा है बताना। आठवां बर्ड जो है वो किंग फिशर है, नाम आप सुने होंगे, आप फोटो देख लेना। एट्थ नंबर जो आपके बुक में दिया गया है पिक्चर, वो किसका है, किंग फिशर का है। यस और नो, किंग फिशर का है। अब इसके लिए फेमस स्टैटिक पॉइंट क्या है, पहली चीज कि ये जो स्मॉल बर्ड है, बट इसका जो चोंच है, जिसको हम बिल इंग्लिश में बोलते हैं, वो काफी बड़ा होता है और काफी नुकीला या तेज होता है। सो इसका ये फर्स्ट आपका स्टैटिक पॉइंट बनता है क्या, द कॉमन किंगफिशर इज ए स्मॉल बर्ड विथ ए लॉन्ग शार्प बिल, ठीक है। इसकी जो चोंच होती है वो काफी लंबी होती है, साथ ही साथ काफी तेज भी होती है। दूसरा, ये कार्निवोरस, ये भी किसमें आता है, कार्निवोरस में आता है। कार्निवोरस मतलब केवल ये इंसेक्ट्स को क्या करता है, खाता है। तीसरी चीज कि इस ये जो फाउंड होता है, ये जो पाया जाता है, वो कहां पाया जाता है, यूरोप, इसके अलावा एशिया, ये कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया और इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका में ये लार्जली जो है वो पाया जाता है। मतलब बृहत मात्रा में अगर बात की जाए तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। और जो यूरोप एशिया में पाया जाता है उसको हम लोग यूरेशिया के कैटेगरी में देखते हैं, यूरेशिया स्पीसीज के तौर पर हम उसको जानते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया में जो पाया जाता है उसको स्पेशल नेम यूरेशिया किंगफिशर के तौर पर जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ये सारा पॉइंट आपको अपने जीके के जो आपका फेयर कॉपी है वहां पर आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके बुक में दिया गया है वो सीधे सीधे पिक्चर पहचानने के लिए दिया गया है, बट इसमें हमने कोशिश करी है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कंटेंट दे दिया जाए अबाउट दैट वर्ड बर्ड, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको जो है क्या करें, कॉपी पर राइट डाउन कर लें, ताकि जब भी आपको उसके स्टैटिक पॉइंट्स की जानकारी चाहिए तब आप कॉपी से उसको आसानी से पढ़ के दे सकें, आंसर दे सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए नौवें वर्ड पर आते हैं। नौवां वर्ड जो है उसका नाम है क्या, हमिंग बर्ड। नौवां बर्ड क्या है, हमिंग बर्ड। नौवां बर्ड हमारा है हमिंग बर्ड। इसके बारे में क्या जानते हैं आप, तो ये सबसे हंग्रीएस्ट बर्ड होता है इन द वर्ल्ड, हंग्रीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड मतलब सबसे भूखा पक्षी इसको क्या बोला जाता है वर्ल्ड में, सबसे भूखा पक्षी अगर कोई है तो वो कौन सा है, हमिंग बर्ड है। अब दूसरी चीज कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है यूरेशिया मतलब यूरोप और प्लस एशिया, इसके साथ ही ये पाया जाता है कहाँ पर, तो नॉर्थ अफ्रीका मतलब नॉर्थ अफ्रीका कहने का मतलब जो किंगफिशर का नेटिव है वही हमिंग बर्ड का भी है। ज़्यादा जो लार्ज मेजोरिटी में पाया जाता है वो किंगफिशर और हमिंग बर्ड कहाँ पाया जाता है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। और तीसरी चीज़ कि ये ओमनीवोरस मतलब केवल ये मीट ही नहीं खाता, इसके साथ साथ ये वेजिटेरियन भी है, मतलब फूल पत्ती और जो भी चीज़ें हैं फ्रूट्स उसको भी ये फूड के तौर पर लेता है। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दसवें वर्ड के ऊपर, जो कि कौन है, हीरोन जो दसवां पिक्चर आपके बुक पे दिया गया है, दैट पिक्चर इज फेमस फॉर द बर्ड हीरोन, ठीक है।
इसकी जो इसका जो लंबा इसका जो लेग होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग लेग्ड, लॉन्ग लेग्ड। इसका जो पैर का लंबाई है वो काफी बड़ा होता है। इसके अलावा इसकी गर्दन जो होती है, इसकी गर्दन जो होती है वो भी क्या होती है, बड़ी मतलब लंबी होती है, मतलब लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग नेक्ड। इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर या फिर फ्रेश वाटर या फिर कोस्टल एरिया, कोस्टल कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इसलिए इसको कोस्टल बर्ड भी बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोस्टल बर्ड भी बोला जाता है। और ये जो है ये हमारा होता है कौन सा, तो ये आता है कार्निवोरस के कैटेगरी में, कार्निवोरस के कैटेगरी में। दैट्स मीन ये केवल इंसेक्ट्स को ही एज ए फूड इंटेक करता है। तो आज का हमारा ये क्लास कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फिर से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर मैथ्स इसके अलावा जीके जितना सारा पॉइंट है वो आपको आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होता रहे। तो चलिए आज हम अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं, रेस्ट ऑफ पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।